अपनी पिछली वीडियो में हमने सल्तनत उस्मानिया की पहली 10 वालदा सुल्तान पर बात की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम वालदा सुल्तान उरम सुल्ताना से लेकर शेषवार सुल्ताना तक बात करने वाले हैं। इस दौर को सल्तनत उस्मानिया की तारीख में खवातीन का दौर भी कहा जाता है। उरम सुल्तान से लेकर बुरहान सुल्तान तक तमाम उस्मानी मलिकाओं ने उस्मानी हरम की जिम्मेदारी के साथ साथ सियासी मामलात में भी हिस्सा लिया। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और कोई सवाल है या कोई मालूमात शेयर करनी है तो हमें कमेंट में बताएं। उरम सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दोयम की वालिदा थी। तारीख आपको हासिकी सुल्तान के नाम से याद रखती है। आपका पैदायशी नाम अलेक्जेंड्रा था। आपका ताल्लुक यूक्रेन से था। उर बानो सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान मुराद सोयम की वालिदा थी। तारीख में आपको हासिकी सुल्तान और वालिदा सुल्तान जैसे नामों से पुकारा जाता है। आपका पैदायशी नाम ओलिवेरा था। आपका ताल्लुक ग्रीक खानदान से था। सफिया सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 13वें सुल्तान महमद सोयम की वालिदा थी। तारीख आपको हासिकी सुल्तान और वालिदा सुल्तान के नाम से जानती है। आपका पैदायशी नाम सोफिया था। आपका ताल्लुक अल्बानिया से था। अंदान सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 14वें सुल्तान अहमद अव्वल की वालिदा थी। तारीख में आपको वालिदा सुल्तान के लकब से याद किया जाता है। आपका पैदायशी नाम हेलिना था। आपका ताल्लुक ग्रीक खानदान से था। हलीमा सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 15वें सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की वालिदा थी। आपको तारीख वालिदा सुल्तान के नाम से जानती है। माँ फेरोज सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 16वें सुल्तान उस्मान दोयम की वालिदा थी। आपके बारे में तारीख में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, बस आपकी पैदाइश 1590 को हुई और वफात की तारीख 1620 बताई जाती है। महापेकर कौसम सुल्तान, कौसम सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के 2 सुल्तानों यानी मुराद चारों और इब्राहिम अव्वल की वालिदा सुल्तान थी। मुराद चारों 17वें और इब्राहिम अव्वल 18वें सुल्तान थे। तारीख में कौसम सुल्तान को हासिकी सुल्तान, वालिदा सुल्तान और नायब सल्तनत के अलकाबात से पुकारा जाता है। आपका पैदायशी नाम अनस्तासिया था। आपका ताल्लुक ग्रीक खानदान से था। बुरहान सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 19वें सुल्तान महमद चारुम की वालिदा थी। आपको तारीख में हासिकी सुल्तान, वालिदा सुल्तान और नायब सल्तनत के नामों से पुकारा जाता है। आपका ताल्लुक यूक्रेन से था। अशोक सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 20वें सुल्तान सुलेमान दोयम की वालिदा थी। आपको तारीख में हासिकी सुल्तान और वालिदा सुल्तान कहा जाता है। आपका पैदायशी नाम कैथरीना था। आपका ताल्लुक सरेबियन खानदान से था। वज़ीर सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान अहमद दोयम की वालिदा थी। आपको तारीख में हासिकी सुल्तान कहा जाता है। आपका पैदायशी नाम ईवा था। उल्नस सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 22वें सुल्तान मुस्तफ़ा दोयम और 23वें सुल्तान अहमद सोयम की वालिदा थी। आपका ताल्लुक भी ग्रीक खानदान से था। आपको तारीख हासिकी सुल्तान और वालिदा सुल्तान के नामों से जानती है। सालिया सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 24वें सुल्तान महमूद अव्वल की वालिदा थी। आपको तारीख में वालिदा सुल्तान के लकब से पुकारा जाता है। आपका ताल्लुक सरेबियन खानदान से था। शेषवार सुल्तान, आप सल्तनत उस्मानिया के 25वें सुल्तान उस्मान सोयम की वालिदा थी। आपको तारीख में वालिदा सुल्तान के लकब से जाना जाता है। आपका पैदायशी नाम मारिया था। आपका ताल्लुक रशिया या सरेबिया से था। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान से लेकर 25वें सुल्तान की वालिदा सुल्तान पर बात की। बाकी सुल्तानों की वालिदा सुल्तान पर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।